नवरात्रि का समय आ रहा है और सभी का मन करता है कुछ तो अलग, कुछ तो तीखा चटपटा हो जाए। तो इसीलिए आज तीन मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चाट की रेसिपी में हम सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम जार में धनिया, दो हरी मिर्च, सेंधा नमक, भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी खटाई और रंग को बढ़िया रखने के लिए बर्फ और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब बारी आती है प्यारी सी खट्टी मीठी चटनी की। इसके लिए हमने 1/4 कप खटाई पाउडर और उतनी ही मात्रा में गुड़ दोनों को ही गर्म पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और प्लीज़ गुड़ का पानी छान कर ही यूज़ करिएगा ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो तो वो निकल जाए। मैं आज तड़का पैन का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आधी चम्मच घी डालेंगे, फिर इसमें हम आधी आधी चम्मच मेलन और पम्पकिन सीड और धुली हुई चिरौंजी 1 चम्मच डाल देंगे। हल्का सा पकने पर हम इसमें खटाई मिक्सचर को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ा पकने देंगे। फिर इसमें छना हुआ गुड़ का पानी मिक्स कर लेंगे। अभी इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा पकने दीजिए। जब ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो तभी हम इसमें भुना जीरा और सेंधा नमक दोनों को मिला देंगे। और हम इससे ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं क्योंकि ये ठंडा होने पर खुद ब खुद थोड़ा और गाढ़ा हो ही जाएगा। अब हम इसका एक मीठा दही बनाएंगे। इसके लिए हम फिटे हुए दही में भुनी सौंफ और जीरे का पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ा सा सेंधा नमक, चीनी को डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम कूटू के आटे का एक घोल तैयार करेंगे जो आलू के साथ बड़ा ही बढ़िया टेस्ट देगा। इसके लिए हम 1/4 कप छना हुआ कूटू आटा लेंगे, फिर उसमें हम भुना जीरा, थोड़ा ज़्यादा सा सेंधा नमक और हरी मिर्ची को डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा मिलाया, फिर थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा मिलाया, ऐसे करके हम एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। हमने बेबी पोटैटोस को पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। अब हम एक एक आलू को लेंगे और उसे हाथ से चपटा कर देंगे। आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आ गई है आलूओं को फ्राई करने की। तो इसके लिए हम एक बड़े पैन में ढेर सारा घी डाल लेंगे। अब हम एक एक करके आलू को कटोरी में डालेंगे और उसे मिक्सर में अच्छे से कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मिक्सर साइड से थोड़ा निकाल देंगे और पैन में डाल देंगे। अब इसे आप बढ़िया से पकने दीजिए, दोनों तरफ से गोल्डन करिए। धीरे धीरे जब नीचे से पक जाएगा तो बड़े आराम से पलट भी जाएगा। हम अपनी कूटू आलू चाट को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कूटू आलू रखेंगे और फिर हम उसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा खीरा। फिर इसके ऊपर हम अच्छे से मीठी दही को डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब आती है हरी चटनी की बारी, तो उसको भी आप अच्छे से डाल दीजिए। मीठी चटनी को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब लास्ट में हम थोड़ा सा ऊपर से सेंधा नमक डालेंगे, थोड़े से अनार के दाने डालेंगे और भुना जीरा डाल देंगे। और हमारी रेसिपी अब टेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है। हमारी अगली रेसिपी है कूटू साबूदाना पैनकेक्स।
इसके लिए हम लेंगे एक कप भींगा हुआ साबूदाना और दो बड़े आलू उबले हुए। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, कटी हुई हरी मिर्ची और रोस्ट किया हुआ पीनट जो थोड़ा सा पिसा हुआ है। फिर डालेंगे हम इसमें भुना जीरा, हरी धनिया और काली मिर्च। अब हम इसमें 1/4 कप रोस्ट किया हुआ कूटू आटा डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिलाना शुरू कर देंगे। एक बार सब अच्छे से मिला लेने के बाद हम थोड़ा सा हाथ में घी लेंगे और फिर इस मिक्सर को और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सर दोनों हाथों के बीच में लेंगे और उसे गोल गोल कर लेंगे। फिर धीरे धीरे रोटी की तरह जैसे हम उसे चपटा करते हैं वैसे करना शुरू करेंगे। और अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो आप नीचे फ्लैट सरफेस पे रख के उसे थोड़ा सा और चपटा कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब इन पैनकेक्स को हम तवे पर बड़े आराम से सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे, हल्का सा उन्हें गोल्डन होने देंगे और फिर हम उसे पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये पैनकेक्स इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको मैं हरी चटनी और थोड़े से फ्रूट और अपने मीठे दही के साथ सर्व करूंगी। आप भी कुछ ऐसे ही ट्राई करिएगा। लास्ट में जल्दी से पीनट आलू स्टर फ्राई बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे उबले हुए आलू, हरी मिर्ची, पीनट्स पिसे हुए और भुने हुए, हरा धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च। अब हम एक बोल में आलूओं को अच्छे से फोड़ लेंगे। फिर हम उसमें हरी मिर्च, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ऐसा करना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि पैन में जब आप आलू भूनते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती हैं। इसमें आपका नमक और मसाला सब बड़े प्यारे तरीके से मिक्स हो जाता है। हम सिंपली बस एक पैन में थोड़ा सा घी डाल लेंगे और इस मिक्सर को उसमें सारा पलट देंगे। इसको गोल्डन होने तक अच्छे से भून लीजिए। अब क्या, अब इसमें हम बस हल्का सा भुना जीरा डाल देंगे, रोस्टेड पीनट का पाउडर डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। हर एक चीज को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे और आपका स्टर फ्राई तैयार है। इसको हम टमाटर खीरे के रायते के साथ सर्व करेंगे। देखिए कितनी आसान सी है ये रेसिपी। प्लीज़ ट्राई करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।